इस मूवी के लिए मुझे कोई भी ओपनिंग लाइन नहीं मिल रही है। मतलब ऐसा क्या बोलूं कि आप लोग मेरी भावनाओं को समझ पाओ। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा फॉरगॉटन मूवी के बारे में, जो 2017 में आई थी। ये एक कोरियन मूवी है। अब जब ये मूवी के बारे में मैं सोच रहा था कि यार आप लोगों को क्या बताऊं इसकी, यानी कि इसकी स्टोरी के बारे में क्या बताऊं, और बताऊं तो कितना बताऊं, क्योंकि यार ये जो मूवी है इसके अंदर मिस्ट्री, मर्डर, थ्रिलर, तो मैं ऐसा भी कोई भी हिंट नहीं देना चाहता था जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट खराब हो जाए। तो आई डिसाइडेड कि जितना इसके बारे में IMDb के ऊपर है उतना ही बता देता हूं कि दो भाई हैं इस मूवी के अंदर, कहानी बता रहा हूं थोड़ी बहुत। तो दो भाई हैं, उनका नाम देखो यार, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यार वो मुझसे बोले नहीं जाएंगे। एक होता है टंग ट्विस्टेड, ये तो टंग को मतलब तोड़ देने वाले नाम है। खैर खैर, मजाक को दूर रखते हैं, बैक टू द पॉइंट। तो दो भाई हैं जिसमें जो बड़ा भाई है उसका अपहरण कर लिया जाता है। अब कौन करता है, जब आप में मूवी देखोगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। और 19 दिन बाद जब वो घर पे आता है तो उसको 19 दिनों की बात, मतलब ये 19 दिन कहां था, उसे किसने किडनैप किया था, उसके साथ क्या हुआ था, उसे कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन जब वो वापस आता है तो इसका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। अब जो इसका छोटा भाई है, अब वो इसको जानने लगता है कि भैया इसका बिहेवियर ऐसे चेंज क्यों हो रहा है। इसको जानने के लिए उसका पीछा शुरू करते हैं। बस अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता यार। जैसे मैंने कहा कि एक थ्रिलर मिस्ट्री मर्डर मूवी है, इसके बारे में एक छोटा सा भी हिंट आप लोगों को मिल गया तो इस पूरी मूवी का मजा किरकिरा हो जाएगा। और एक एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि देखो यार, जब भी आप मूवी देखने की सोचें तो आप इसका ट्रेलर भी मत देखें, सीधा जाकर बस इस मूवी को देखें। और सेम मैंने ही ऐसा किया था, क्योंकि जब मुझे मूवी सजेस्ट की गई थी, जो एक सब्सक्राइबर है एनिमे फ्रीक करके, उन्होंने जब ये मूवी सजेस्ट की थी कि भाई ये कोरियन मूवी है फॉरगॉटन, काफी बढ़िया है, तो जब मैंने इसके बारे में कुछ भी सर्च नहीं किया, सीधा जाके मैंने ये मूवी देखी, तो सीरियसली मैंने इसे काफी ज्यादा एंजॉय किया है। शुरुआत में मूवी थोड़ा बहुत टाइम लेगी अपना बेस बनाने के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे आप लोगों को ये पजल करेगी और आप लोगों के सामने ऐसी चीजें रखेगी आप खुद पहचान नहीं पाओगे यार ये क्या सच है या ये झूठ है या ये सपना है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, रीजन क्या है यार, आखिर हमें बता दो यार, हमें तड़पाओ मत। इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाएगी जो मेरे साथ हुई थी। और जब इसके सस्पेंस खुलने स्टार्ट होते हैं यार, जो संतुष्टि मिलती है, मतलब वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और जो क्रिमिनल है वो हमारे सामने आता है, उसके बारे में भी बताया जाता है, उसके पास्ट को दिखाया जाता है कि भैया वो उसने ये काम क्यों किया, क्या रीजन था, मतलब उसके बारे में बताकर हमें उससे भी कनेक्ट कर दिया जाता है, हमें उससे सहानुभूति हो जाती है यार, इस इंसान के साथ ऑलरेडी गलत हुआ है और ये नहीं चाहता था ये सब करना। खैर मैं देखो यार वो चीजें नहीं बता रहा हूं कि यार मतलब वो स्पॉइलर वाली बात आ जाए। ओके, तो मैं फिर से बता देता हूं कि यार इस मूवी की स्टोरी के बारे में बिल्कुल ना सर्च करें, मतलब इसकी डिटेल जानने की बिल्कुल कोशिश ना करें, इवन इसका ट्रेलर भी ना देखें। आप इसको ट्रूली एंजॉय करना चाहते हो तब जाके आप लोगों को वो इंटरेस्ट जगेगा। और वास्तव में जब आप इस मूवी को स्टार्टिंग में देखोगे आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जग जाएगी, और जब ये सस्पेंस खुलने होंगे वो धीरे धीरे वो क्यूरियोसिटी का शांत होना, यार हाँ यार एक्चुअल में हुआ। सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे इस चीज का लगता है इस मूवी में कि इसमें चीजें एक्सप्लेन अच्छे से की गई हैं। और आप इसमें सोचेंगे कि यार हम इसमें पता लगा पाएंगे कि हाँ इसमें कौन है, किसने क्या किया है, तो खैर ये चीज मैंने भी ट्राई की थी और सच कहूं मुझसे नहीं हो पाया। मैंने जितना सोचा था कि यार इसमें ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, कुछ भी नहीं पता लगा पाया। हाँ लास्ट का जाके एक छोटा सा सीन मुझे पता लग पाता है कि उस छोटे बच्चे के बारे में, यार आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि मैं किसके बारे में बात करूं, जब आप ये मूवी देख कर ये वीडियो दोबारा से देखेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा मैं किस छोटे बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं। यार जितना हो सकता मैंने उतनी ही कम डिटेल देने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को यार मुझे तो गालियां ना दे और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट भी खराब ना हो। यार मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा बढ़िया लगी, एक डिफरेंट जोनर हमें देखने को मिला, एक साइकोलॉजिकल डिफरेंट जोनर हमें देखने को मिलता है इसमें। और जो इसमें परफॉर्मेंस है यार, ये जो इसमें प्रोटैगनिस्ट है, जैसे उसकी इमोशन उसने हमारे सामने रखे हैं, हम उससे इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि इवन जो वो फील कर रहा है वो भी हम फील कर रहे होते हैं यार, इतना अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। और जैसे मैंने कहा इसमें जो सस्पेंस है, भाई साहब आप जो मर्जी दिमाग लगा लो आप नहीं कैच कर पाओगे कि हाँ हो क्या रहा है इसके अंदर और कौन कर रहा है। यानी फुल ऑन एक एंटरटेनमेंट का धमाका है आप लोगों के लिए ये मूवी। अब इतनी सारी अच्छी बातें हो गई, कुछ तो कमी होगी ना, हाँ है कमी है, जब हम चांद में कमियां निकाल सकते हैं तो मूवी है निकालेंगे इसके अंदर कमी। जो कमी मुझे इसके अंदर लगी इसकी एंडिंग में लगी यार, इतना ज्यादा एफर्ट किया गया सच जानने के लिए, उस क्रिमिनल का पता लगाने के लिए, और एट द एंड उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जिसने इतना एफर्ट किया उस
किसने अपने साथ ये सब चीजें कर ली, अब मुझे थोड़ा बहुत शब्दों का सोच समझ के यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़े बहुत भी अगर आप लोगों के शब्द या मैंने कुछ भी ऐसा हिंट दे दिया तो वही चीज आ जाती है ना यार, इंटरेस्ट खराब कर रहे हो हमारा, हमें क्यों बता रहे हो, मतलब कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, मन तो कर रहा है आप लोगों को बता दूं, खैर यहीं रोकते हैं हम। तो हाँ, ये लास्ट वाला सीन, अगर मैं ये पर्टिकुलर लास्ट सीन आता है इसके अंदर जो हमारे सामने इसकी एंडिंग दिखाई जाती है, तो ये थोड़ा बहुत मुझे अजीब सा लगा। इसके अलावा मुझे मूवी काफी ज्यादा पसंद आई, तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखो यार, आप इसे मिस नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया मूवी है। और ये आप लोगों को इंग्लिश डब में नहीं मिलेगी, हिंदी डब में भी नहीं मिलेगी, इंग्लिश सबटाइटल के साथ आप लोगों को मिल जाएगी। इसमें कोई वल्गर और एडल्ट सीन नहीं, इसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं है। हाँ, वॉयलेंस थोड़ा बहुत है इस मूवी में। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।